कांग्रेस के रुकने असेंबली सुधीर रेड्डी ने हलफ बर्दारी से पहले असेंबली के मीडिया पॉइंट पर भारत की तरक्की के नुमाइंदे से बात की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। के लिए एलवी नगर के एमएलए सुधीर रेड्डी जी मौजूद है, आइए बात करते हैं। सर, क्या हिकमत एमली तैयार हुई है, सीएलपी मीटिंग आज मुनाकिद की गई थी, इस पर पूरे जितने भी नए इलेक्टेड एमएलएस पूरा एक रेजोल्यूशन लिए, सिंगल वर्ड रेजोल्यूशन क्या है, राहुल गांधी के ऊपर छोड़ दें, राहुल गांधी जो भी डिसीजन लेंगे वो डिसीजन है, हम लोग सहमत रहेंगे। आप एलवी नगर के एमएलए फिर से एक मरतबा आए हैं, तो क्या हिकमत अमली आप आगे क्या करेंगे आवाम के लिए? जो वादा मैं बिफोर इलेक्शंस करा, मेरा मैनिफेस्टो में लगाया, वो पूरे करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। तो इस वक्त आप लोग अपोजिशन में हैं, तो क्या रोल अदा करेंगे? ज़रूर, जब रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन के वजह से हम लोग एक्ट करेंगे, जो कुछ भी क्या पब्लिक के खिलाफ होगा, गवर्नमेंट डिसीजन लेंगे उसके खिलाफ हम लोग असेंबली में लड़ेंगे। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के एमएलए भी टीआरएस में ज्वाइन हो रहे हैं, बिल्कुल गलत है, ये सिर्फ गवर्नमेंट की माइंड गेम है। कांग्रेस पार्टी को डिस्टर्ब करना, कांग्रेस को डिस्टर्ब करके उसको पार्टी को खत्म करने का कोशिश में अब चल रहा है, कोई भी टीआरएस में जाने वाले नहीं है, बिल्कुल गलत न्यूज है। ये हमारे साथ एलबी नगर के रुकने असेंबली सुधीर रेड्डी जी बात कर रहे थे, कैमरा पर्सन मुजीब के साथ मई जुनेद अली, भारत की तरक्की न्यूज़, हैदराबाद।